तो देखो प्यारे बच्चों, ये एक अच्छा सा सवाल है। नीट वाले बेसिकली ये करते हैं और उनको थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम आता है, बट ये कि क्वेश्चन अच्छा है। पहले क्वेश्चन को समझो कि एक क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कहता है पोटेंशियल एनर्जी अब मास 1 kg, यहाँ पे दिया हुआ है मास जो है 1 kg ऑलरेडी पार्टिकल का है। 1 kg इज फ्री टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो फ्री टू मूव है। दिस इज द मास इज फ्री टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्री टू मूव है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 2 जूल है। तो मैक्सिमम स्पीड, देखो स्पीड मैक्सिमम जब होगी उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ मास ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होता है। और कंजर्वेटिव फील्ड की बात करोगे तो ये क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है तो अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई होगी, मिनिमम हुई होगी, ठीक ना। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन है ग्राफ इक्वेशन वो दिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है, बी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है एक्स की पावर 4/4 और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कोई भी अगर ये मिनिमम होगी तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर इसका डेरिवेटिव लेगो तो डी ओवर डी एक्स और इसका डेरिवेटिव लोगे तो एक्स की पावर 4 और यहाँ पर एक्स की पावर 4, हाँ एक्स की पावर 4 और ये डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड टू मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1/4, यहाँ से 4 आ गया और एक्स की पावर 3 आ गया, माइनस यहाँ से 1/2 आ गया, 2 आ गया, एक्स की पावर 1 आ गया, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। तो 4 ने 4 को, 2 ने 2 को यहाँ ख़त्म कर दिया, मतलब एक्स की क्यू माइनस एक्स दैट इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ पे तो एक्स इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू प्लस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1, इन सब भी जो है पोटेंशियल एनर्जी या तो मिनिमम होगी या तो मैक्सिमम होगी। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 अगर तुम पुट करोगे यहाँ से, समझ रहे ना, अगर यहाँ से तुम देखोगे एक्स इज इक्वल टू, नहीं एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट A1 ही आएगा ना, तो एक्स इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 1 अंडर रूट, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा एक्स इजिक्वल टू। तो यहाँ पे मतलब तुम एक्स इजिक्वल टू 0 पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रहा, तो एक्स इजिक्वल टू 1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही वो मिनिमम है। तो एक्स इजिक्वल टू 1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँगा एक्स इजिक्वल टू 1 पे, तो 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से 1/4 और माइनस 1/2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ऊपर नीचे, तो -1/4, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल इन दिस इक्वेशन इन दिस सिनेरियो, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम के सम के बराबर है, और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे 2 जूल दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें निकालना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी आ गया -1/4 जूल। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल थी वो आ जाएगी 2+1/4, दैट इज आ जाएगा 9/4, ठीक है ना। अब काइनेटिक हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर स्पीड चाहिए, तो यह आ जाएगा 9/4 मतलब मास 1 है, तो ये 2 टाइम्स कट गया, ठीक है ना। तो अगर मास कितना था, देखो मास 1 था, तो अगर मास 1 था तो अगर ये 2 टाइम कट गया तो फाइनली जो यहाँ से सोल्यूशन बनेगा, जो स्पीड मैक्सिमम वो दिखेगी, वो मुझे देखेगी 9/2 अंडर रूट, इसका मतलब ये हुआ 3/√2
मीटर पर सेकंड जो है वो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/√2 मतलब अपना सी ऑप्शन मैच कर गया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।